बीमारियों से अगर आप है परेशान, क्या करें क्या ना करें अगर इस सोच ने कर दिया है आपको हैरान। नहीं मिल रहा अगर आपको कोई आराम, क्या मन में है ऐसे कई सवाल जो पूछना चाहते हैं आप डॉक्टर से, तो हो जाइए तैयार। डायबिटीज, ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लम्स और कैंसर जैसी जटिल बीमारियों पर आपका अपना शो माय डॉक्टर, सिर्फ वीकेबी न्यूज पर। हेलो एवरीवन, वीकेबी माय डॉक्टर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एंड आई एम मीनाक्षी योर होस्ट फॉर द शो। आज हमारे साथ है नागपुर के द सीनियर मोस्ट पीडियाट्रिशियन एंड ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ IAF, दैट इज इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, एंड इवन द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर कॉमहैड, दैट इज कॉमनवेल्थ एसोसिएशन ऑफ हेल्थ एंड डिसेबिलिटी। मैं बात करी हूँ डॉक्टर उदय बोधनकर की। डॉक्टर उदय बोधनकर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बताना चाहूंगी कि ये जो कॉमहैड है, इट इज एक्चुअली अ पैन कॉमनवेल्थ NGO विच इज सपोर्टेड बाई द कॉमनवेल्थ फाउंडेशन लंडन एंड इट इज ऑफिशियल रिलेशन विद WHO। और हमें बहुत ही प्राउडली हम ये कह रहे हैं दैट डॉक्टर बोधनकर हैज बिकम द फर्स्ट एशियन टू बी ऑनर्ड विद द हाईएस्ट कोवेटल लाइफ अचीवमेंट अवार्ड ऑफ कुमार UK फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन एंड एग्जेम्पलरी हेल्थ सर्विसेज फॉर द वेलफेयर ऑफ स्पेशली चैलेंज पीपल। सर, फिर से एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड कुमार, इसके लिए बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस बिकॉज इट इज अ बिग अचीवमेंट फॉर अस एज नागपुरियन। और जो कुमार के बारे में कुछ जानना चाहेंगे सर, व्हाट इज दिस? सबसे पहले धन्यवाद देता हूं मीनाक्षी जी आपका, आपका चैनल का जो सब फेमस है कि आपने एक अच्छा विषय लिया। मेरा सत्कार बोले तो मेरा सत्कार नहीं, मेरी टीम है जो स्पेशली चैलेंज पीपल है, जो पेरेंट है उनका सत्कार समझूंगा। तो सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ और कमार के बारे में बताऊँगा। कमार जो है वो है कॉमनवेल्थ एसोसिएशन फॉर हेल्थ एंड डिसेबिलिटी, उसका ऑफिस है 83 में एस्टैब्लिश लंदन में। और हमारी जो चीफ पैट्रन है वो यू विल बी सरप्राइज, वो है ऑनरेबल हर मैजेस्टी द क्वीन एलिजाबेथ टू। तो शी इज पैटर्न। उसके बाद आई वॉज द मैं अध्यक्ष था अंतर्राष्ट्रीय और अभी मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। तो हमारी संस्था 54 देश में जहाँ जहाँ अंग्रेजों ने काम किया या राज्य किया, ऐसे 54 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड है वहाँ पर हमारी संस्था काम करती है। उसमें एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, फार ईस्ट, इवन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से लेकर तक कैनेडा, कैरेबियन तक आते हैं, पांच जोन है हमारे। तो इसमें इनका यानी इसमें मोर देन 1000 मेंबर्स है जो ऑल 54 कंट्रीज के हैं। और इनका हेडक्वार्टर लंदन रहता है, कॉमनवेल्थ फाउंडेशन आपने जो बोला। और हमारा और कॉमार इज रिकॉग्नाइज ऑफिशियली बाय कॉमनवेल्थ फाउंडेशन ऑफ इज ऑनरेबल मैजेस्टी द क्वीन इज द पैटर्न एंड ऑल्सो WHO यूनिसेफ फॉर डूइंग ऑल सर्विसेज फॉर सेंसिटाइजेशन एंड डूइंग एवरीथिंग विच इज गुड फॉर द स्पेशली चैलेंज पीपल, उसका हमारा उद्देश्य हुआ है। ओके सर, ग्लोबली तो देखें लेकिन अगर हम नागपुर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है स्पेशली चैलेंज पीपल के लिए? आपने अच्छा क्वेश्चन मीनाक्षी बताया आपने कि एक्चुअली इस बारे में बोलूँगा। हमारा तो मैंने तो टेक ओवर किया 6 साल पहले, मैं अध्यक्ष था बाद में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो अनफॉर्चुनेटली हमको फंडिंग बहुत कम रहता है, कोई भी एक्टिविटी करना है, सोशल करना है, फिलान्थ्रोपी करना है, फंडिंग जरूरत है। तो हमको गवर्नमेंट से भी मदद नहीं मिली और कॉमनवेल्थ फाउंडेशन के पास 600 एप्लीकेशन आते हैं, उसमें से 600 में से वो 5 या 10 लोगों को देते हैं, वो भी £5,000 विच इज नॉट केयर। तो इंस्पेक्ट ऑफ दैट हमने सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है जैसे यूनिसेफ है, यूनिसेफ की संस्था है, वैसे कुछ वैक्सीन इंस्टीट्यूट है सीरम इंस्टीट्यूट वाले, उनसे दरख्वास्त किया, उन्होंने हमको मदद किया। उनके जरिए हमने कैंप लगाया, इतना ने CME अरेंज किया, कॉन्फ्रेंसेज लिए और हमने जो थेरापिस्ट है, फिजियोथेरापिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट है, स्पेशल थेरापिस्ट है, स्पीच थेरापिस्ट है, इन सबको और पेरेंट और NGO इनका सहयोग लेके आज तक हर साल एक कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसमें सब 2-3 दिन का चाहिए रहता है डिबेटिंग, और हर 3 साल में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस लेते हैं। और 3 साल में जो होता है वो इस साल जो अभी हुआ जहाँ पर मेरे को अवार्ड मिला बिकॉज ऑफ कोरोना वर्चुअल हुआ, नहीं तो फिजिकली हम यूके में यूके के क्या रहता है रोटेशन लेते, एक बार एशिया, एक बार अफ्रीका। अच्छा। इस बार यूके लंदन को था, लंदन के हमारे अध्यक्ष जो वहाँ पर है, जो वाइस प्रेसिडेंट है, डॉक्टर रमेश मेहता जी का जिक्र करूँगा,
वो बैपीओ जो है, डायबिटीज एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो इंडिया के जितने डॉक्टर है यूके में, वो आपको तारीफ लगा 65,000 डॉक्टर्स है, उनका वो अध्यक्ष है। तो उनके थ्रू और कमार के थ्रू हमारे अध्यक्ष नागपुर के डॉक्टर यशवंत पाटिल उनके थ्रू और मैं एकजुट आया था हमने, और यूनिसेफ के मैं बोलूँगा डॉक्टर मुदुला फड़के मैडम है, यूनिसेफ के राजीव नायर, इन लोगों ने हमको बहुत सहयोग किया, इसलिए हम ये कॉन्फ्रेंस वर्चुअल और फिजिकल भी कर सके। इसमें हमने फिजिकल में हमने 2 दिन का वर्कशॉप, 1 दिन का वर्कशॉप किया, उसमें यूनिसेफ का वर्कशॉप न्यूट्रिशन पे था, यानी स्पेशली चैलेंज लोगों को क्या चैलेंजेस आए। हमारा थीम ही था कि पोस्ट COVID-19 चैलेंजेस फॉर द चैलेंज, ये हमारा थीम था। तो उसमें न्यूट्रिशन चैलेंजेस आते, फिजिकल चैलेंजेस क्या हो लोगों को, मेंटल चैलेंजेस क्या है, और अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। तो ये आपको ताजुब लगेगा कि वैसे तो स्पेशल चैलेंज लोगों को इशू आते हैं, एक्सेसिबिलिटी, अप्रोचेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, लेकिन कोविड में इन लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। मैं इसलिए दोषी नहीं करता हूँ, मैं सोसाइटी को बोलूँगा, गवर्नमेंट को दोष देने के पहले कि अपनी एटीट्यूड जो है वो चेंज करना चाहिए। यू शुड कंसिडर देम एज इंक्लूसिव, यानी एज मेरा बच्चा यदि खुद रहता तो मैं कैसा बिहेव करता था, वैसा सोसाइटी ने, पब्लिक ने बिहेव किया, तो मुझे लगता एक योगदान होगा बहुत। ये एसोसिएशन किस तरह से काम करती है स्पेशली चैलेंज पीपल के लिए सर? एक तो मैं बताया, सेमी अरेंज करना, इंटरेक्टिव सेशन लेना, एक्सचेंज प्रोग्राम लेना, जैसे हम अफ्रीका गए थे, अफ्रीका वाले यहाँ आए थे, यूके के डॉक्टर यहाँ आते, यानी एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, एक्सचेंज ऑफ प्रोग्राम, सीएमई, देन सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर गिविंग देम एड्स, हियरिंग एड्स है, क्लचेस है, ये थ्रू द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड टेकिंग ट्रेनिंग द पीपल लाइक थेरापीज एंड थेरापी फॉर द अर्ली डायग्नोसिस ऑफ चैलेंज पीपल एंड देयर रिहैबिलिटेशन, ये हमारा मकसद रहता है। ओके, अब जो एक सिनारियो है, जैसे कि दर्शक जानते हैं 2019 से हमारे देश दुनिया को जिसने बदला है वो है कोरोना वायरस, और अब जो है ये संकट काल धीरे धीरे जब नॉर्मल हो रहा था तो एक नई संकट ने जन्म लिया और अब बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा है और लोगों में एक भय का माहौल भी है। देर इज़ अ सेक्शन ऑफ पीपल जो बहुत ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल हो गए हैं अपने बिहेवियर को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, मास्क को लेकर, लेकिन कई लोग डर भी रहे हैं और सबसे ज़्यादा डर रहे हैं जिन्हें जो पेरेंट्स हैं खासकर, क्योंकि कहते हैं कि ये ओमाइक्रॉन जो है ये बच्चों पर ज़्यादा इफेक्ट करके, क्या ये सच है और किस तरह से कोरोना वायरस बच्चों पर असर दे सकता है, बच्चों को बचाने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए, वो भी डॉक्टर बुधनकर से जानेंगे क्योंकि ही इज़ द सीनियर मोस्ट पीडियाट्रिशियन इन नागपुर। डॉक्टर बुधनकर, ये जो ओमाइक्रॉन है इसे आप किस तरह देखते हैं? देखिए, आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, ओमाइक्रॉन है डेंजरस, लेकिन सबसे पहले बोलूँगा डरना नहीं, डरने से कुछ होगा नहीं, लेकिन इसका मतलब आपने आर्म डाउन नहीं करना चाहिए, जैसा आप लोगों ने सतर्क रहना चाहिए, जैसे भारत पाकिस्तान की सीमा पर जैसे सैनिक सतर्क रहते, वो 24 घंटा सतर्क रहते, वो कभी सोते नहीं, सोते होंगे तो भी एक जागता एक सोता है, ऐसा अपने को सतर्क रहना चाहिए। और मैं बोलूँगा आपके चैनल के थ्रू, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है, यानी मास्क, अभी अपन इंटरव्यू ले रहे हैं, मास्क इंपॉर्टेंट है, मास्क नाक और पूरा बंद होना चाहिए, फिट होना चाहिए, डिस्टेंस 6 फुट रहना चाहिए, 3 फुट 3 फुट, बाद में हैंड वॉशिंग विद वाटर अवेलेबल सोप से, और मैं SMS के थ्रू मैं ऐड करता हूँ वी फॉर वैक्सीन। तो मेरी दरख्वास्त है सबको कि भाई आपके घर में जो भी बुजुर्ग है, जो 18 के ऊपर है, वो सब लोग, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, जितने सर्वेंट है, जो वर्कर्स है, उन सबको त्वरित नहीं दिया होगा तो कोरोना की वैक्सीन लेके 2 डोज लेके कंप्लीट करो दिसंबर जाने के पहले, क्योंकि अपना यदि उद्दिष्ट 80% कवरेज करना है 2 वैक्सीन का, यदि वो कवर किया तो अपने को कोई भी ये वायरस है उससे धोखा नहीं होगा, ये नंबर 1 हो गया। दूसरा ओमाइक्रॉन के बारे में बोलूँगा, ओमाइक्रॉन को क्यों डरते हैं, WHO ने क्यों बोला कि भयानक है, इसके 3 कारण हैं। नंबर 1, ये जैसा क्राउन रहता है, ओमाइक्रॉन का जो वायरस है आपको मालूम है कोरोना, उसके ऊपर कंगोर रहते हैं, उसको स्पाइक बोलते हैं, वो स्पाइक के ऊपर म्यूटेशन ने चेंज हुआ, तो जैसा आपने बात तीन तलवारी दिया, तो भाई एक तलवारी से मैं डेंजर होऊंगा, तीन तलवारी 32 तलवारी दिया मेरे को, 32 गन, तो कितना डेंजर होगा, तो उसका म्यूटेशन डेल्टा वेरिएंट में तीन म्यूटेशन हुआ, यानी 3 बार वो हुआ, अभी जो ओमाइक्रॉन पा उसमें 32 टाइम म्यूटेशन हुआ, 32 गुना उसके ऊपर चेंजेस हुआ, और इसके वजह से वो डेंजरस करके WHO ने घोषित किया। अभी इसके ऊपर 2 चीज़ें,
नंबर एक, म्यूटेशन हुआ इसलिए डेंजरस है। डेंजरस क्यों है? क्योंकि वो वायरस जल्दी फैलता है, जिसको ट्रांसमिटर बोलते हैं, नंबर वन। दूसरी चीज़, ये वायरस जिनको कोरोना हो गया और जिन्होंने वैक्सीन लिया उनके ऊपर भी अटैक करने को डरता नहीं, करता है अटैक। जैसे आप अफ्रीका में, आपको ताजू लेंगा ताई में मना कि अफ्रीका में टोटल दो डोज का कितना परसेंट है? 7%। अच्छा। और अभी दिसंबर नवंबर में 7% पॉपुलेशन थी दो डोज लेके बैठे, अपने यहाँ जैसे 40-50% हुआ। अच्छा। इतने पॉपुलेशन हो गए। डेफिनेटली मैं कॉन्ग्रेट करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया महाराष्ट्र को कि अच्छा अच्छा उन्होंने कैंपेन चलाया। वहाँ 7% है तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर अनवैक्सीनेटेड, इसलिए वहाँ वायरस जाके फटाफट चेंज होता है, वो अटैक करता है। तो तीन चीज़ें, वायरस डेंजरस है, अटैक करता है और ट्रांसफर और जल्दी फैलता है। देखो 24 नवंबर को पहला वायरस है, पहला दो रोगी, उसके बाद अभी तक कितने दिन हुए? 20 दिन हुए, 24 से 6 और 15, 21 दिन में कितने देश में गया मालूम है? 60 के ऊपर, 60 कंट्रीज में। कल ही न्यूज़ आया 60 कंट्रीज में ये फैला गया, इतना फास्ट गया। अपने अपने महाराष्ट्र में आपको 18 के ऊपर कल देखे, इंडिया में फैल गया। तो इसकी ट्रांसमिशनबिलिटी जो वो डेल्टा वेरिएंट में वन आर वैल्यू बोलते हैं वो 1.2 थी और इसकी 1.9 के ऊपर है। तो जैसा मेरे को कोरोना होता, मैं आपके पूरे जितने लोग हैं उनको फैलाऊँगा, ये तीन हो गए। अभी इसमें अच्छी बात यह है कि आज तक 21 दिन में एक ही पेशेंट मर गया, वो जो ब्रिटेन का था, एक ही मृत्यु हो गया। और तो इसमें इतना ही पाया गया कि इसमें सिम्टम्स माइल्ड है, सीवियर नहीं है। सेकंडली इसमें सिम्टम कौन से आते हैं तो आपको बोलते तो फीवर, हेडेक, सोर थ्रोट, वोमिटिंग, लूज मोशन आता है। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम इसमें आता है टायर्डनेस। जैसा मेरे को कोरोना हुआ समझे, ओम ग्रंथ, मैं एकदम सुस्त रहूँगा, टायर्ड रहूँगा, मेरे को सुस्ती आएंगी, वो 2-3 दिन तक ये। और एक सिम्टम पाया गया कि रैश, पूरा जो रैश, जो रैश को क्या बोलते हैं हिंदी में, जी खुजाल, वो आती। और कल और एक सिम्टम आया कि पसीना, लोगों को इवन ठंडी में भी पसीना आता था। ये तीन चीज़ें नहीं है, रैश, पसीना आना, टायर्डनेस, ये तीन चीज़ें यदि है और आपको सर्दी खांसी बुखार है तो, और आपका कांटेक्ट यदि कोई अफ्रीकन या कोई कंट्री से आया तो उससे होगा, तो देर आर चांसेस ओमिक्रॉन है। लेकिन आप डरने का नहीं, माइल्ड है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम नहीं होती। जैसा आपने डेल्टा में कहता फटाफट 80-70 होता था, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम, अभी तक कोई पेशेंट को कम नहीं हुई, हॉस्पिटलाइजेशन कम हुआ, डेथ रेट कम है और वेंटिलेटर कम हुआ। तो ये माइल्ड है बट ट्रांसमिशन बहुत जल्दी होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने खुलेआम भूलना चाहिए। मैं दरख्वास्त करूँगा कि आपके पार्टी 2-3 महीने के लिए आपके पार्टी, बर्थडे पार्टी, मैरिज पार्टी, कोई भी मेला, पॉलिटिकल मेला हो या रिलीजियस मेला, कोई भी रिलीजन, वो सब आपने स्टॉप करना चाहिए। नहीं तो आपका ओमिक्रॉन आएगा, जैसा कल मिनिस्टर साहब ने बोला, अपने हेल्थ मिनिस्टर ने, कि फरवरी में लाट आएंगी। क्योंकि कल मेरी, आपको बता दो, कल मेरी नीदरलैंड से बात हुई, हमारे एडवोकेट है वहाँ पर, वो मेंबर है, बोला एडवोकेट हाउ आर यू, थी सर आई एम नॉट वेल, लव आई, बोले नीदरलैंड में पूरा लॉकडाउन किया 2 महीने के लिए, वहाँ ओमिक्रॉन घुस गया पूरा। कल परसों लंदन में बात हुई, लंदन में वो बताया, सर आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पर तो प्राइम मिनिस्टर थिंकिंग फिर से लॉकडाउन स्ट्रिक्टली करना। तो पूरे कंट्री में ओमिक्रॉन फैल रहा है। तो इसका मतलब आपने लाइटली लेना नहीं, लेकिन डरना नहीं, लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। कल मैंने देखा वो पार्टी बॉम्बे में चली, उसमें एक्ट्रेसेस को कुछ एक्ट्रेसेस को हुआ, वो एक्ट्रेस फिर भी, कल मेरा इंटरव्यू हुआ लोग, तो वो एक्ट्रेस चली गई दिल्ली में कोई आने पर, तो बोला एक्चुअली लोगों ने खुद के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। 2-3 महीना नहीं करेंगे शादी विधि अटेंड करने तो कुछ होता नहीं, घर के अंदर करो, 20-30 लोग करो, सेफ डिस्टेंस मेंटेन करो, मास्क करो, बच्चों के लिए खतरा मत बनो। अच्छा सॉरी, मैं इसमें ये भूल गया कि बच्चों के ऊपर आएंगा, अभी आपका क्वेश्चन रह गया। तो अभी बच्चों के ऊपर मैं ऐसा बोलूँगा, 18 साल तक बच्चे अभी वैक्सीनेटेड नहीं, आपने बोला था, तो उनको यदि वैक्सीन, तो हमारे नागपुर में ट्रायल हुई कोवैक्सीन वायल की, तो 3 महीने हो गए अभी तक, 2 साल से 6 साल तक एक ग्रुप था, 6 साल से 12 तक था और 12 से 18, तीनों ग्रुप में 50-50 बच्चे लिए, तो उनमें कोई भी वैक्सीन के साइड इफेक्ट नहीं है। तो कोवैक्सीन वैक्सीन में बोलूँगा डेफिनेटली सेफ है 2 साल के ऊपर। गवर्नमेंट भी अभी ये करे, कल परसों मीटिंग भी हुई, मेरा बोलता 1 हफ्ते के अंदर
15 दिन के अंदर को वैक्सीन का अपने को ये आ जाएगा, अप्रूव आ जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से 2 साल के ऊपर बच्चों को, एटलीस्ट 12 से 18 को पहले करेंगे, बाद में 6 से 12, बाद में 2 से 6। तो वैक्सीन जब भी आएगा तो पेरेंट को 10 का वैक्सीन लगा लो बच्चों को, साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं है, ये नंबर वन। दूसरा मैं बोलूँगा बच्चे लोग स्कूल में जा रहे हैं, अपने जो पूछा स्कूल में जाते वक्त पेरेंट ने एक ही देखना चाहिए कि आपके घर में सबने वैक्सीन लिया होगा तो बच्चों को नहीं होगा, नहीं तो आप घर में देंगे उसको प्रसाद। दूसरा जो स्कूल में सब टीचर अटेंडेंट प्यून केयर टेकर बस ड्राइवर ऑटो रिक्शा ड्राइवर ये सब ने कम से कम 2 वैक्सीन लेना चाहिए, और 2 वैक्सीन लेने के बाद 15 दिन होना चाहिए एकदम। तो तभी हमने उस स्कूल को परमिशन दिया है हमारे SOP में, इतना ही नहीं स्कूल में हमने बोला 50 का जो क्लास है उसमें 20 बच्चे बैठा अल्टरनेट, आज 20 बच्चे आएंगे कल 20 बच्चे आएंगे और एक बेंच पे एक ही बच्चा बैठेगा, यदि इतनी खबर दे बच्चे को मास्क कंपलसरी, और उनको ये इंस्ट्रक्शन है कि आपका आपका डब्बा शेयर नहीं करना, पानी नहीं शेयर करना आपका पानी, कोरोना जाने दे बाद में तो हम कर सकते हैं, डब्बा शेयर नहीं करना, पानी नहीं शेयर करना, हैंड वॉश करना खाने के पहले खाने के बाद वॉशरूम से जाने के बाद, डिस्टेंस मेंटेन करना, किसी को हाथ नहीं लगाना, खेलना हमने बंद किया, खेलने में क्या एक मिनट के नज़दीक आते हैं, इसलिए हमने बोला सिर्फ आपको करना है योगा सेफ डिस्टेंस करके यू कैन डू दशा सूर्य नमस्कार का, इतना हमने SOP दिया है। और इतना ही नहीं स्कूल में एंट्री होते हुए यदि टेम्परेचर के थर्मल टेम्परेचर लेना और हैंड वॉश करना स्टरलाइजर रखे तो आई थिंक दैट विल सेव आवर चिल्ड्रन फ्रॉम दिस डिजीज, ऐसा कहूँगा जी। सर कहीं ना कहीं एडल्ट और पेरेंट्स जो हैं वो वैक्सीनेट हो चुके हैं मोस्टली हमारे नागपुर की अगर हम बात करें, हाँ, बट किड्स का वैक्सीनेशन अभी तक नहीं हुआ, अगर पेरेंट्स वैक्सीनेटेड है तो क्या रिस्क फैक्टर अब भी है बच्चों में? नहीं देखो बराबर आपने क्वेश्चन पूछा ना कि पेरेंट्स यदि वैक्सीनेटेड है तो पेरेंट्स से बच्चों को आना संभव कम रहेंगे, पॉजिटिव आई विल से 5-10% ओनली, 90% प्रोटेक्शन होगा, पेरेंट हो गया उनके ग्रैंड पेरेंट हो गया दादा नानी, लेकिन उनके यहाँ कोई वर्कर आता होगा काम करने वाले भाई है कोई शी इज नॉट वैक्सीनेटेड तो या ड्राइवर हो गया तो देन देयर इज चांस ऑफ मोर देन 10%। तो वही होता है बच्चों को जो होता है वो बाजू के घर में जाते हैं खेलने के लिए वहाँ से लाते हैं और उनके तरफ से क्या होता है बच्चों को यदि हुआ ना तो बच्चों को कम होता है माइल्ड डिजीज आपको देखा है डेल्टा में इसमें, लेकिन उनके उनसे थ्रू यदि पेरेंट को है ग्रैंड पेरेंट को हुआ तो देन सीरियस होगा, इसलिए मैं बोलता हूँ पेरेंट को दस्तखत करूँगा बच्चों को बाहर मत लेके जाओ, स्कूल में जाना है तो छोड़ दो जाके और लेके आओ उनको, बर्थडे पार्टी ये पार्टी है घूमना फिरना मॉल में जहाँ पर भी तई जहाँ पर भी बंद रूम है वहाँ पर कोरोना फैलेगा, उनको ओपन ग्राउंड में लेके जाओ, मैं नहीं बोलूँगा लेकिन शॉपिंग मॉल में या थिएटर में लेके मत जाओ, आपके घर में भी बंद रूम में रखो मत, पूरे खिड़कियाँ दारे खुला रखो, अभी ठंडी है लेकिन जब भी धूप आती है तो पूरे दरवाजे खिड़की खुले रखे 12 से 5 बाद में बंद करो तो आपका भी प्रोटेक्शन होगा और कोरोना से बचाव होने की संभावना ज़्यादा रहेंगी। राइट डॉक्टर, कहीं ना कहीं जब से ये कोविड आया है एक बात हमने हमेशा अब गौर की है और पहले इतना करते हुए अब ज़्यादा गौर करते हैं, दैट इज़ इम्यून बढ़ाने की, बच्चों के इम्यून को बढ़ाने के लिए एज ए पीडियाट्रिशियन आप क्या सलाह देते हैं? बहुत ही अच्छा आपने सोचा, मैं बोलूँगा पेरेंट को बच्चों को इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए सबसे पहले शुरुआत करूँगा माँ के दूध से, जो भी माँ अपने बच्चे को दूध दे रही है उसने बच्चे का दूध कभी बंद नहीं करना, 6 महीने तक तो बच्चे का दूध ही देना और 6 महीने के बाद पूरा कार देके उसको 2 साल तक दूध पिलाना, लेकिन पूरा कार 6 महीने के बाद देना, ये नंबर वन हो गया। दूसरा मैं बोलूँगा कि बच्चों को पूरा कार में चावल दाल, मैं गरीब लोगों के बच्चों के लिए बोल रहा हूँ आपके चैनल के थ्रू सभी लोग देख रहे हैं, चावल दाल खिचड़ी रोटी सब्जी और जो प्रोटीन है प्रोटीन से उसमें मैं बोलूँगा काजू मत खाओ, लेकिन शेंगदाना जो होता है वो गरीबों के काजू बोलते हैं, पीनट हो गया ग्राउंड नट हो गया और जिनको आयन होना है लोहा का तो उसके लिए थोड़ा गुड़ का खड़ा डालेंगे सब्जी में चावल में दाल में तो गुड़ से आयन मिलेगा। तो मेरे दवाखाने में देखा हूँ आपने राजगीरा के लड्डू रोड देता हूँ, राजगीरा इज़ वेरी चीप, राजगीरा के लड्डू के 5-10 पैसे को मिलते हैं, तो जो बच्चे 2 साल के ऊपर है उनको राजगीरा लड्डू मुरमुरा का लड्डू शेंगदाना गुड़ की चिक्की ये देंगे तो उनमें आयन मिलेगा फॉलिक एसिड मिलेगा पत्ते मिलेंगे। और 3-4 बार खाना चाहिए बच्चों ने, ऊपर का दूध बंद करना, माँ का दूध और खाना 3-4 बार खाने में प्रोटीन मिलना चाहिए और
कार्बोहाइड्रेट और विटामिन जो नेचुरली मिलना चाहिए, जैसा सलाद खाएंगे, बच्चों को सलाद देंगे तो उसको सब मिलेगा सलाद, बाद में स्प्राउटेड थिंग जिसको अंकुरित बोलते हैं वो देना चाहिए, और मैं जैसा मतलब गुड़ छेंगना चाहिए, ये दे दिया तो उसका आहार संतुलित रहेगा। उनको किस कौन सी चीज़ देना चाहिए, कैडबरी नहीं, चॉकलेट नहीं, जंक फूड नहीं, कोल्ड ड्रिंक नहीं, ये देना नहीं, तो उसकी जगह क्या देना, अपने घर में छाछ रहता मट्ठा वो अच्छा रहता वो देना चाहिए, नींबू शरबत अच्छा है, विटामिन सी मिलेगा। अब कोल्ड ड्रिंक बंद कर दो, कैडबरी बंद करो, सब बीमारी खत्म हो जाएगी, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। तो उनको संतुलित आहार इंपॉर्टेंट है नंबर वन। दूसरा उनको व्यायाम, आजकल क्या होंगे बच्चे लोग टीवी पे बैठे मोबाइल पे बैठे कंटिन्यू खेलते रहते हैं तो उनका वजन बढ़ रहा है, तो उनको मोबाइल और टीवी से दूर रखो, जितना जितना उनका ये क्लासेस है उतना ही दो, देखना तो जो चैनल तुमको नॉलेज देते जैसे आपका वो देखना आधा घंटा देखो, बाद में उनको एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज में क्या कर सकते हैं, बंद घर में आप बोलेंगे देखो सूर्य नमस्कार को जगह लगती नहीं, एक रूम में सूर्य नमस्कार, दंड बैठेगा मैं करता अभी नहीं कर सकता, दंड बैठेगा मारना, रस्सी के ऊपर उड़ी उसको रस्सी थोड़ा गच्ची पे जाओ करना, रस्सी दंड बैठेगा सूर्य नमस्कार, और ऊपर यदि आप ऊपर रहते होंगे तो चौथे माले पे तो ऊपर नीचे करना 10-15 बार, उतना व्यायाम होता। तो घर के अंदर भी ऐसा नहीं कि करने देते, और इसका नहीं डांस करो, गाना लगाओ टीवी पे आपके गाना डांस करो, दादा नानी के साथ डांस करो, तो आपका एक्सरसाइज होगा, आपका संतुलित आहार होगा, व्यायाम करो। मैं बोलूँगा बच्चों को योगा करना चाहिए, मैं बोलूँगा योगा का मैं बहुत ये हो फैन हूँ, मैं योगा खुद भी करता हूँ, अनुलोम विलोम कपालभाती जो भी करते जो भी प्राणायाम करने का वो रोज यदि 10-15 मिनट सवेरे और दोपहर में यदि दो बार कर सके तो खाने के पहले करना या खाना खाएंगा तो 2 घंटे के बाद। लेकिन मैं बोलूँगा सब बच्चों को प्राणायाम योगा एक्सरसाइज संतुलित आहार और जंक फूड से यदि अलग रखे और टीवी मोबाइल से अलग रखे तो मैं लगता हूँ वही होगा अच्छा। इसके अलावा इम्यूनिटी बढ़ने के लिए जो चीज़ बोलते हैं जैसा खाने में वो अदरक देने थे, अदरक एंटीबायोटिक बोलूँगा, दूध हल्दी गुड़ देते लोग, दूध में आधा कप दूध में हल्दी डाल के वो एंटीबायोटिक करके आयुर्वेदिक में, तो आई विल सपोर्ट दैट। बाद में बोलते हैं आंवला देने की, आंवला इज़ वेरी गुड, आंवला आंवले इट विल बूस्ट इम्यूनिटी, अदरक की चाय अदरक डाल के सब्जी में डाल के ये तीन चीज़ें मैं बोलूँगा, बाद में सलाद में बाकी चीज़ आते हैं, तो दिस विल बूस्ट देयर इम्यूनिटी। आई डोंट थिंक दे नीड एनी विटामिन एडिशनल, नहीं जरूर नहीं। खाने में यदि संतुलित आहार मिला व्यायाम के तो बाकी टॉनिक की जरूर नहीं। ओके डॉक्टर, क्या लगता है क्योंकि अभी कहीं ना कहीं बातें हैं कि थर्ड वेव इज़ डेफिनेटली गोइंग टू कम, और बच्चों और पेरेंट्स को क्या सच में इस थर्ड वेव से डरने की ज़रूरत है? नहीं, जैसा मैं पहले बोला था डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका मतलब है सुस्त होने की जरूरत नहीं, यानी यू कांट बी रिलैक्स, यू शुड बी अलर्ट। मैंने बोल दिया कि डरने का जरूरत नहीं, चलो अपन बाहर घूमने जाते, ऐसा नहीं, सतर्क रहना जरूरी है। जैसा मैं बताया जो सैनिक रहता पाकिस्तान भारत के बॉर्डर पे, वैसा आपको जागरूक रहना है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करना है, बच्चों को बाहर लेके नहीं जाना, जहाँ जरूर है वहीं जाना, तीन चीज़ें आपके घर में दादा दादी नाना उनका इम्यूनाइजेशन करो, SMS वी करो, और संतुलित बच्चों को संतुलित आहार एक्सरसाइज टीवी मोबाइल से दूर जंक फूड से दूर किया, उनको इम्यूनिटी बूस्टर जो मैंने बताया वो यदि आप दिए फल फ्रूट में तो बच्चों की तबीयत भी ठीक रहेंगी आपकी भी तबीयत ठीक रहेंगी। लेकिन फिर से इसका मतलब देखो अभी मैंने बताया यूके में क्लोजडाउन हुआ, तो आपको यदि लॉकडाउन से बचना है तो खुद ही उसके लिए अपने पर कंट्रोल करना पड़ेगा, यू कांट ब्लेम गवर्नमेंट। ठीक है गवर्नमेंट बोलती है कि मत करो नहीं तो हम लॉकडाउन करेंगे, तो भी लोग कहाँ मान रहे, लोग तो अभी देखते तो पूरे बॉम्बे के पूरे इसमें ये चालू है, न्यू ईयर का सेलिब्रेशन चालू है, अब नागपुर में भी चलूँगा, मैं गया नहीं कभी, क्योंकि मैं बोलूँगा प्लीज़ 2-3 महीने के साल के लिए प्लीज़ ये एंजॉयमेंट प्लीज़ थोड़ा कंट्रोल करिए, अपने को कोरोना के ऊपर ये करना है, विन करना है वार के ऊपर, तो आपका सहयोग इंपॉर्टेंट है आपके, इतना बोलूंगा जी। डॉक्टर व्हेन इट कम्स टू हाइजीन लेवल, किस तरह से पेरेंट्स ने बच्चों के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, बिकॉज ये कोविड टाइम्स में बच्चे इतने ज्यादा कहीं ना कहीं जिद्दी भी हो गए हैं, टेम्परमेंट काफी हाई हो गया है, देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, आप पीडियाट्रिशियन होकर तो बहुत सारी कंप्लेंट सुनते भी होंगे, तो कुछ ऐसी चीजें जो बहुत जरूरी है दर्शकों को फोकस में लाने के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोविड टाइम में बच्चों को जैसी पॉजिटिव
थिंग भी हो गई और निगेटिव भी। निगेटिव में इतना हो गया कि वो टेम्परामेंट में आ गया, उनका वजन बढ़ने लगा, मेंटल इश्यूज आ गए, फिजिकल फ्रस्ट्रेशन आ गया। और उनका कहना है कि हमको पढ़ाई ऑनलाइन किया, कितने बच्चों ने तो स्कूल देखा ही नहीं जो पहली में, टीचर को मिले नहीं, सिर्फ ये हो गया निगेटिव साइड। पॉजिटिव साइड ये हो गया कि एटलीस्ट कम्युनिकेशन पेरेंट के साथ बढ़ गया, फादर मदर के साथ, नाना नानी के साथ गप्पे मारना, ये करना, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। कि क्या था, अपने पेरेंट दोनों काम करते हैं, फादर सवेरे जाता है, शाम को आती है, मदर भी जाती, तो देर वॉज नो टाइम टू इंटरेक्ट विद चिल्ड्रन। तो ये टाइम थोड़ा कोविड में हो, घर से काम करने की वजह से मदर फादर हो गया, पेरेंट हो गया, ग्रैंड पेरेंट, उनके कम्युनिकेशन हो गया, ये नंबर वन हो गया। अभी इसमें हाइजीन का आप बोले, हाइजीन में बोलूँगा पेरेंट ने सी बच्चे किसको ऑब्जर्व करते बचपन में, पेरेंट को, बाद में टीचर को, बाद में अपने पीयर ग्रुप को, तो तीन चीज़। तो आज घर में जो बच्चे हो दे आर ऑब्जर्विंग पेरेंट बोले, तो मैं पेरेंट का दर्शन करूँगा, आप खुद ही टीवी बंद करना जब भी को, उसके ऊपर जो जिसमें डरी हुई चीज़ आती है, जो जिसमें वायलेंस आता है, ब्लडशेड होता है, वो देखना नहीं चाहिए नंबर वन। आप नहीं देखेंगे तो बच्चे ने आप बोलेंगे बच्चों को मत देख, मैं देखता हूँ तो नहीं, नंबर वन बोलूँगा आपको बच्चे के ऊपर संस्कार करना है तो आप खुद के ऊपर कंट्रोल करना सीखिए पेरेंट को, ये बोलूँगा नंबर वन। क्योंकि चैरिटी शुड स्टार्ट एट होम, यू का आप बोलेंगे बच्चा तू मत, क्यों बोलेगा मेरा बच्चे को बोला था, मैं बोल रहा बच्चा तुम बोले पापा आप तो देख रहे, बोला मैं 11 बजे आ रात में, तो उसके सामने टीवी का दुरुपयोग, मोबाइल का दुरुपयोग, बच्चे लोग पढ़ते पापा मेरे को जाना ठहर जा मेरे को मोबाइल देखना, तो उनके सामने मोबाइल टीवी का दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करो, ये नंबर वन। दूसरा वो आपको ऑब्जर्व करते, आप बाहर खाना बंद करिए, मैं हमेशा बोलता हूँ बाहर में आप पानी पूरी भेलपूरी खाते हो ठेले पे, उसमें से सब बीमारियाँ वहाँ से आती है, मेरे पास पेशेंट वहीं से आते हैं। क्यों आते हैं, पानी पूरी ठेले पे हाथ गंदे रहते हैं आदमी के, उसके नाक गंदे रहते, पसीना डालता है, पानी गंदा रहता है, वो पानीपुरी से टाइफाइड, डिसेंट्री, डायरिया और जॉन्डिस, चार बीमारी होती। तो मैं दस का ये सब खाना बाहर का आप टालो, बच्चों को घर का ही खाना स्वस्थ दो। आप नहीं खाएंगे तो बच्चे ने खाएंगे नहीं, आप जब सलाद खाएंगे तो बच्चा सलाद खाएगा, आप संतुलित आहार लेंगे बच्चा खाएगा, आप व्यायाम करेंगे योगा तो बच्चा करेंगे, आप एक्सरसाइज करो घर में तो बच्चा करेगा। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को ने खुद के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना, खुद को मॉडिफाई किया तो बच्चे के ऊपर संस्कार पड़ेंगे, वही संस्कार काम आएंगे। भारत की यदि पीढ़ी बनाना है तंदुरुस्त, तो माँ बाप, नाना नानी, नाना नानी का सहयोग होना चाहिए, वो तो होता है, लेकिन उसको बच्चों के ऊपर संस्कार अच्छे हो जाएंगे। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर बोधनकर, आपकी ये सारी जानकारियाँ कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों को ज़रूर काम आएगी। अगर ये एपिसोड बच्चे देख रहे हैं तो मैं आपको खासकर कहना चाहूँगी कि अगर आप डॉक्टर अंकल के पास जाने से बचना चाहते हैं तो जितनी भी बातें डॉक्टर अंकल ने बताई हैं वो आपको सारी सुननी चाहिए। आपको पता है चॉकलेट्स बहुत पसंद है, मुझे पता है आपको जंक फूड बहुत पसंद है, लेकिन उसे आप रेगुलर ना बनाएं, घर का खाना खाएं, एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए, घर से बाहर थोड़ा खेलना शुरू कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा सोशल डिस्टेंस ना बनाएं, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंस बना के रखिए। और पेरेंट्स अगर मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों का ख्याल रखिए, बिकॉज थर्ड वेव आने में देर नहीं लगेगी अगर हम इररिस्पॉन्सिबल हो गए। आज माय डॉक्टर में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और स्पेशलिस्ट के साथ, तब तक ले दीजिएगा इजाज़त, नमस्कार। बीमारियों से अगर आप है परेशान, क्या करें क्या ना करें अगर इस सोच ने कर दिया है आपको हैरान, नहीं मिल रहा अगर आपको कोई आराम, क्या मन में है ऐसे कई सवाल जो पूछना चाहते हैं आप डॉक्टर से, तो हो जाइए तैयार। डायबिटीज, ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लम्स और कैंसर जैसी जटिल बीमारियों पर आपका अपना शो माय डॉक्टर, सिर्फ वीकेबी न्यूज़ पर।